गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 32 पे आओ जरा। देखो, ए लिमिटेड ऑपरेट्स अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। आपको एक्चुअल दे रखा है, मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस, एक्चुअल आउटपुट आपको दे रखा है। फॉर द अबव पीरियड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन वॉज 4800 यूनिट्स एंड ब्रेकअप ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज एज अंडर, मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। बेटा कल बताओ, मैंने बताया था वेजेस 2 आवर्स की हैं बेटा, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस 2 आवर्स के होंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस भी 2 आवर्स के होंगे, आवर्स तो वही रहेंगे ना। तो 40 रुपीज डिवाइड बाय 2 आवर्स, तो 1 आवर का रेट 20 पर आवर फिक्स्ड का, और 20 डिवाइड बाय 2 वेरिएबल का 10 पर आवर, ठीक है। फिर 6400 आवर्स वर एक्चुअली वर्क ड्यूरिंग द पीरियड एंड इन एडिशन वेजेस फॉर 400 आवर्स वर पेड टू कंपनसेट फॉर आइडियल टाइम ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ अ मशीन एंड ओवरऑल रेट वॉज 3.25 पर आवर। ये सारे वेरियंसेस बेटा आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने हैं। तो फिर से बताओ, मेरे ख्याल से चारों केसेस हैं क्वेश्चन में, मटेरियल का केस है, लेबर का, फिक्स्ड एक्सपेंसेस का और वेरिएबल का, तो चारों केसेस हैं। सबसे पहले तो हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स की, बाद में बनाएंगे स्टेटमेंट फिक्स्ड ओवरहेड्स की, ठीक है। आओ मेरे साथ क्वेश्चन नंबर है आपका 32। पहले मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स की स्टेटमेंट, हेडिंग लिखो स्टेटमेंट शोइंग वेरिएंसेस। स्टेटमेंट शोइंग वेरियंसेस, कॉलम बना लो स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, 3 कॉलम्स बना लो, ठीक है। फिर क्वांटिटी आवर रेट अमाउंट, क्वांटिटी आवर रेट अमाउंट, क्वांटिटी आवर रेट अमाउंट, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। फर्स्ट कॉलम के ऊपर स्टैंडर्ड आउटपुट, सेकंड के ऊपर एक्चुअल आउटपुट। लो बेटा स्टेटमेंट बना लो, इसे कंप्लीट करना शुरू करेंगे। करें शुरू, आओ मेरे साथ। देखो बेटा पहले ये देखो द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन वॉज 4800 यूनिट्स। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यानी स्टैंडर्ड आउटपुट 4800 यूनिट्स का है। फिर उसने कहा है ब्रेकअप ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज एज अंडर। बेटा पर यूनिट का मतलब क्या हुआ, एक यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल 1 यूनिट लगता है, तो 1 यूनिट बनाने के लिए 1 यूनिट का मटेरियल, तो 4800 यूनिट्स बनाने के लिए 4800 यूनिट्स का मटेरियल, रेट 50 रुपीज, अमाउंट 2,40,000, ये मटेरियल का। लेबर का करो, 1 यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स, तो 4800 यूनिट्स बनाने के लिए 9600 आवर्स, रेट है 3 रुपीज, 28,800। और ऐसे ही वेरिएबल ओवरहेड्स का सेम ही आएंगे बेटा आवर्स, 1 यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स, तो 4800 बनाने के लिए 9600 आवर्स, और वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट था 10,96,000, है ना, वेरिएबल ओवरहेड्स का 10 रुपीज। हो गया बेटा, लो फर्स्ट कॉलम तो आपका बन गया। अब आ जाओ सेकंड पे, ध्यान से देखना है।
एक्चुअल आउटपुट दे रखा है 3500 यूनिट्स का, तो एक्चुअल आउटपुट 3500 यूनिट्स का है, एक्चुअल में मटेरियल लगा 3600 यूनिट्स एट 52.5, तो एक्चुअल में मटेरियल 3600 लगा 52.5 के हिसाब से अमाउंट आ गई 189,000। ठीक है, लेबर ध्यान से करना बेटा। अब देखो लेबर के कितने आवर्स हैं बेटा, ये देखो लेबर के बेटा 6400 आवर्स तो हैं वर्क्ड, आवर्स वर्क्ड। इसके अलावा 400 आवर्स का क्या है आइडियल टाइम है बेटा, तो टोटल आवर्स हो गए 6800। अलग अलग लिखना, 6400 तो आवर्स वर्क्ड हो गए और 400 का आइडियल टाइम हो गया। और आपको पता है बेटा पेमेंट पूरे की होती है, 6800 की पेमेंट होगी 3.25 के रेट पे, तो 6800 इंटू 3.25 22,100। ठीक है, और बेटा ये 22,100 ना आपको यहां दे भी रखा था, ये देखो डायरेक्ट वेजेस कितनी लगी 22,100। ठीक है बेटा, अब एक बात याद रखना, जितने आवर्स की लेबर होती है उतने ही आवर्स के ओवरहेड्स होते हैं, तो लेबर 6800 आवर्स की है ना, तो ओवरहेड्स भी 6800 आवर्स के होंगे। ठीक है, रेट क्या है, वेरिएबल एक्सपेंसेस एक्चुअल हैं 62,000, रेट निकाल लो बेटा 62,000 डिवाइड बाय 6800 9.12। ये आपका सेकंड कॉलम हो गया, समझ आ रहा है बेटा। अब आ जाओ थर्ड कॉलम पे, कैसे करोगे, 4800 यूनिट्स बनाने के लिए 4800 यूनिट्स लगते हैं, तो 3500 को बनाने के लिए 3500 यूनिट्स 50 के रेट पे 175। ऐसे ही 4800 बनाने के लिए 9600 आवर्स, तो 3500 बनाने के लिए 7000 आवर्स 3 रुपीज के रेट पे 21,000। और ऐसे ही 4800 बनाने के लिए 9600 आवर्स, तो 3500 बनाने के लिए 7000 आवर्स। बेटा सेम ही आते हैं आवर्स 10, अमाउंट लो 70,000। सिंपल सा बेटा, स्टेटमेंट आपकी तीनों की कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं वेरिएंसेस उसने कौन कौन से पूछे हैं, कॉपी करो बेटा, समझे। देखो पहले मटेरियल के देखो कौन कौन से पूछे हैं, कॉस्ट प्राइस और यूसेज। चलो तीन वेरिएंसेस निकालने मटेरियल के, निकालो। पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट है 175, एक्चुअल कॉस्ट है 189, तो वेरिएंस 14,000 नेगेटिव आ गया एडवर्स। ठीक है, सेकंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस है 50, एक्चुअल प्राइस 52.5, एक्चुअल क्वांटिटी 3600, 9000 नेगेटिव आ रहा है एडवर्स, ये आपका प्राइस हो गया। ठीक है, फिर आ जाओ यूसेज पे, मटेरियल यूसेज फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 3500, एक्चुअल क्वांटिटी 3600, स्टैंडर्ड प्राइस 50, तो वेरिएंस आ गया 5000 एडवर्स, नेगेटिव आ रहा है एडवर्स, ये आपका प्राइस यूसेज आ गया। लो बेटा मटेरियल के तो तीनों हो गए। ठीक है,
अब करें लेबर के, देखो लेबर के निकालने, लेबर कॉस्ट, रेट, एफिशिएंसी और आइडियल टाइम, चार वेरिएंसेस निकालने आपको लेबर के। चलो करते हैं, पहले लेबर कॉस्ट फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट 21, एक्चुअल कॉस्ट 22,100, तो वेरिएंस 1100 नेगेटिव आ रहा है एडवर्स, ये आपका लेबर कॉस्ट। ठीक है, फिर ई पॉइंट, लेबर रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट 3, एक्चुअल रेट 3.25 इनटू, याद करो यहां पर एक्चुअल आवर्स कौन से आते थे, एक्चुअल आवर्स पेड आते थे इंक्लूडिंग आइडियल टाइम, तो इंक्लूडिंग आइडियल टाइम 6800 हो गए, तो ये आ गया 1700 एडवर्स। फिर लेबर एफिशिएंसी, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स 7000, यहां पर एक्चुअल आवर्स याद करो कौन से आते थे, एक्सक्लूडिंग आइडियल टाइम 6400 इनटू स्टैंडर्ड रेट 3, तो वेरिएंस आ गया 1800, पॉजिटिव आ रहा है फेवरेबल। ठीक है, फिर हमारा आइडियल टाइम वेरिएंस फॉर्मूला, आइडियल टाइम आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, आइडियल टाइम आवर्स है 400, स्टैंडर्ड रेट 3, तो वेरिएंस 1200, और ये हमेशा एडवर्स आता है। लो तो बेटा लेबर के भी चारों वेरिएंसेस हो गए हमारे, क्लियर हुआ? ठीक है, और बेटा वेरिएबल ओवरहेड्स के आपसे बस एक ही पूछा था, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो निकाल लो बेटा, सिंपल है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट है 70,000, एक्चुअल कॉस्ट है 62,000, तो वेरिएंस 8,000 पॉजिटिव आ रहा है फेवरेबल। लो ये आपके बेटा सारे वेरिएंसेस हो गए यहां तक के। अब हमारी फिक्स्ड ओवरहेड्स की स्टेटमेंट बनाएंगे, पहले ये कंप्लीट कर लो, जरा कॉपी कर लो बेटे। करें आगे, चलो अब बनाते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स की स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। चलो कॉलम बनाओ, बजटेड आवर्स फॉर, बजटेड आउटपुट, बजटेड रेट पर आवर, बजटेड ओवरहेड्स फॉर बजटेड आउटपुट, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है बेटा, सबसे पहले ना आवर्स रख लो बेटा, ये तो आपको दे ही रखे होते हैं बेटा, ये तो सेम ही होते हैं ना, बजटेड आवर्स मतलब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, ये देखो बेटा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट 9600, आवर्स तो सेम ही रहेंगे। अच्छा एक्चुअल आवर्स कितने थे 6800, और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट 7000। लो
ये तो हो गया बेटा। अब बेटा मुझे ये बताना, बजटेड रेट पर आवर मतलब स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ये देखो स्टैंडर्ड रेट पर आवर फिक्स्ड एक्सपेंसेस का, स्टैंडर्ड रेट पर आवर 20 रुपीज है, तो 9600 x 20 192,000, 7000 x 20 140,000, और एक्चुअल ओवरहेड्स आपको दे ही रखे थे, ये देखो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 188। लो कंप्लीट हो गया बेटा स्टेटमेंट, कॉपी कर लो, फिर हम निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। आई पॉइंट देखो बेटा, देखो कौन कौन से निकालने थे, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम कैपेसिटी और एफिशिएंसी, निकालो जरा। पहले क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बेटा एक्सपेंडिचर वेरिएंस का एरो ये था, तो क्या होगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला, बजटेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स, बजटेड 192, एक्चुअल 188, तो वेरिएंस 4000 फेवरेबल। लो ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। अब वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम था, बेटा वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड, स्टैंडर्ड 140, बजटेड 192, तो वेरिएंस 52,000 एडवर्स, ये आपका हो गया वॉल्यूम, ठीक है। फिर के उसने पूछा था आपसे कैपेसिटी, ये आपका बेटा कैपेसिटी था, ये आपका कैपेसिटी था, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू बजटेड रेट। बेटा एक्चुअल आवर्स हैं 6800, बजटेड आवर्स 9600 और बजटेड रेट 20, तो 56,000 नेगेटिव आ रहा है एडवर्स, ये आपका कौन सा हो गया कैपेसिटी। फिर कैपेसिटी के बाद एफिशिएंसी, ये आपका एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू बजटेड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स 7000, एक्चुअल आवर्स 6800, बजटेड रेट 20, 4000 फेवरेबल, ये आपका हो गया एफिशिएंसी, ठीक है। बस ये निकालने थे आपको फिक्स्ड ओवरहेड्स के। और एक लास्ट देखते हैं बेटा, लास्ट आपका क्या था, टोटल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल कॉस्ट वेरिएंस, बेटा टोटल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालोगे, सारे कॉस्ट वेरिएंसेस को ऐड अप कर दो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस प्लस लेबर कॉस्ट वेरिएंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, चारों को ऐड अप कर दो, टोटल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा एम, टोटल कॉस्ट वेरिएंस, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस प्लस लेबर कॉस्ट वेरिएंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था 14,000 एडवर्स प्लस लेबर कॉस्ट वेरिएंस है 1100 एडवर्स प्लस वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है 8000 फेवरेबल, और बेटा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस था
उसने आपको निकालने को नहीं कहा था, बट आपको निकालना पड़ेगा। ये था कॉस्ट वेरिएंस का। यहीं पर निकाल देता हूँ बेटा मैं, यहीं पर निकाल देता हूँ, पूछा तो था नहीं उसने। ये कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा? स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। तो 140 माइनस 188, 48,000 नेगेटिव आ रहा है, एडवर्स हो जाएगा। मैंने वही निकाल दिया बेटा, 48,000 एडवर्स। लो सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा आपका। बस ये आपका कॉस्ट वेरिएंस आ गया। लो कॉपी कर लो। मेरे ख्याल से बेटा पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ है सबको। एक क्वेश्चन आपको छोटा सा और कराता हूं। करें एक और क्वेश्चन देखें। देखो बेटा मेरे साथ ना क्वेश्चन नंबर 36 पे आना। क्वेश्चन नंबर 36, अ गैंग ऑफ वर्कर्स नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 30 स्किल्ड, 15 सेमी स्किल्ड एंड 10 अनस्किल्ड वर्कर्स। दे आर पेड एट स्टैंडर्ड रेट एज फॉलोस। स्किल्ड का दे रखा है, सेमी स्किल्ड का, अनस्किल्ड का। इन अ नॉर्मल वर्किंग वीक ऑफ 40 आवर्स द गैंग इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 2000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ड्यूरिंग द वीक एंडेड 31st मार्च, द गैंग कंसिस्टेड ऑफ 40 स्किल्ड, 10 सेमी स्किल्ड एंड 5 अनस्किल्ड वर्कर्स। एक्चुअल वेजेस वर 75, 60 एंड 52 रिस्पेक्टिवली। 4 आवर्स पे वर लॉस्ट ड्यू टू मशीन ब्रेक डाउन एंड 1600 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरियंसेस। चलो सिर्फ लेबर का केस है, स्टेटमेंट बना लो बेटा, ध्यान से देखना। स्टेटमेंट शोइंग लेबर वेरियंसेस। चलो कॉलम बनाओ। पहला स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, फिर एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, और फिर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। आवर रेट अमाउंट, आवर रेट अमाउंट, आवर रेट अमाउंट, स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट। बेटा वर्कर्स ना तीन तरह के हैं बेटा, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, तीन वर्कर्स हैं। बना लो, करना शुरू करते हैं। सुनना बेटा ध्यान से, ये देखो, ये देखो बेटा, बेटा सबसे पहले ना ये लाइन पढ़ो, द गैंग इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 2000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट दे रखा है 2000 यूनिट्स का। और बेटा मैं एक बार बता दूं बड़ी काम की, बेटा ये स्टैंडर्ड आउटपुट किसी एक वर्कर का नहीं है, ये स्टैंडर्ड आउटपुट पूरे गैंग का है, पूरे गैंग का। और पूरे गैंग में टोटल कितने वर्कर्स थे? 30 प्लस 15, 45 प्लस 10, 55 वर्कर्स थे बेटा। तो ये आउटपुट किसी एक वर्कर का नहीं है, ये 55 वर्कर्स का आउटपुट है। तो यहां पर आवर्स भी 55 के लेना, ठीक है? कैसे? देखो पहले मुझे बताओ, एक वर्कर कितने आवर्स काम करता है? 40। तो 30 स्किल्ड वर्कर्स कितने आवर काम करेंगे? 40 × 30, 1200 आवर्स, ठीक है? अच्छा, एक वर्कर 40 आवर्स काम करता है तो 15 वर्कर, 600 आवर्स। एक वर्कर 40 आवर्स काम करता है तो 10 अनस्किल्ड वर्कर्स, 400 आवर्स। तो क्योंकि आउटपुट 55 का ले रहे हो तो आवर्स भी 55 के ही आएंगे। रेट 70, 65 और 50, 70, 65 और 50, तो अमाउंट आ जाएगी 84,000, 39,000 और 20,000।
ठीक है, टोटल करते हैं इसका। लो बेटा ये आपका फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड ध्यान से देखना है बेटा, जरा सेकंड ध्यान से देखना है। देखो अब देखना बेटा, अब उसने कहा ड्यूरिंग द वीक एंडेड 31 मार्च गैंग कंसिस्टेड ऑफ, एक्चुअल में बेटा 30 स्किल्ड ने काम कराई नहीं, एक्चुअल में तो 40 स्किल्ड, 10 सेमी स्किल्ड और 5 अनस्किल्ड ने काम किया है और उनका रेट दे रखा है 1600 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। तो एक्चुअल आउटपुट 1600, याद रखना ये एक्चुअल आउटपुट भी एक वर्कर का नहीं है, पूरे गैंग का है, तो यहां पर आवर्स भी पूरे गैंग के लेना। सुनना बेटा मैं अब डायरेक्टली करूंगा, ये हमने क्वेश्चन किया हुआ इस टाइप का, डायरेक्टली करूंगा, सुनना बेटा। उसने कहा 4 आवर्स वर लॉस्ट ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन, इसका मतलब 40 आवर्स थे उसमें से 4 आवर्स का हो गया आइडियल टाइम, तो फिर आवर्स वर्कड कितने आ गए 36। भाई 40 में से 4 आवर्स का आइडियल टाइम हो गया तो आवर्स वर्क 36 एक वर्कर के। तो एक बार बताओ बेटा 40 स्किल्ड थे, 40 स्किल्ड एक वर्कर के 36, तो 40 के 1440, ये तो आए आवर्स वर्कड। अब आइडियल टाइम बताओ, एक वर्कर का आइडियल टाइम 4 घंटों का, तो 40 स्किल्ड का 160 आवर्स का आइडियल टाइम, क्लियर हुआ। ऐसे ही करो जरा सेमी स्किल्ड का, बेटा एक के आवर्स वर्कड हैं 36, तो 10 सेमी स्किल्ड के 360, एक का आइडियल टाइम है 4, तो 10 का 40, ये आ गया सेमी स्किल्ड का। और अनस्किल्ड का करो, एक के आवर्स वर्क 36, तो 5 के 180, अच्छा एक का आइडियल टाइम 4 का, तो 5 का 20 का, ठीक है। और बेटा रेट 75, 60 और 52, 75, 60, 52, तो मल्टीप्लाई करो 1,20,000, ये आपका हो गया सेकंड कॉलम, ठीक है बेटा। अब बनाओ थर्ड, 2000 यूनिट्स बनाने के लिए 1200 घंटे लगते हैं, तो 1600 यूनिट्स को बनाने के लिए 960, रेट 70, अच्छा ऐसे ही सेमी स्किल्ड का करो, 2000 बनाने के लिए 600 घंटे, तो 1600 बनाने के लिए 480 घंटे 65 के रेट पे। अनस्किल्ड का 2000 बनाने के लिए 400 घंटे, तो 1600 बनाने के लिए 320 घंटे 50 के रेट पे, मल्टीप्लाई करो 67,200, 31,200, 16,000, लो वन 14,400, लो ये आपकी बेटा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। कॉपी कर लो, फिर हम वेरिएंसेस निकालते हैं। देखना कौन कौन से निकालने थे आपको, कॉस्ट, रेट, एफिशिएंसी, आइडल टाइम और मिक्स वेरिएंस। चलो 5 वेरिएंसेस निकालने करना शुरू करते हैं।
सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट 114,400, एक्चुअल कॉस्ट 154,400, तो वेरिएंस आ गया 40,000, नेगेटिव आ रहा है तो एडवर्स, 40,000 एडवर्स। फिर लेबर रेट वेरिएंस फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, तीनों का निकालेंगे, स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड, चलो अलग अलग निकालो। स्टैंडर्ड रेट 70, 65, 50, एक्चुअल रेट 75, 60, 52, एक्चुअल आवर्स कौन से लेते हो यहां पर, एक्चुअल आवर्स इंक्लूडिंग आइडियल टाइम पूरे ले लेना बेटा, 1600, 400, 200, बस वेरिएंस निकाल लो। 8,000 नेगेटिव यानी एडवर्स, 2,000 पॉजिटिव यानी फेवरेबल, है ना, और 400 नेगेटिव एडवर्स। सिक्सटी फोर हंड्रेड एडवर्स, ये आपका हो गया रेट वेरिएंस। ठीक है, फिर इसके बाद लेबर एफिशिएंसी, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड। पहले स्टैंडर्ड आवर्स देखो, 960, 480, 320, 960, 480, 320, और एक्चुअल आवर्स कौन से आते हैं यहां पर एक्सक्लूडिंग आइडियल टाइम, 1440, 360, 180, 1440, 360, 180 इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट है 70, 65, 50, 70, 65, 50, है ना, बस मल्टीप्लाई करो। थर्टी थ्री सिक्स हंड्रेड एडवर्स, सेवेंटी एट हंड्रेड फेवरेबल, सेवन थाउजेंड फेवरेबल, एटीन एट हंड्रेड एडवर्स, ये आपका लेबर एफिशिएंसी। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा है, आइडियल टाइम, आइडियल टाइम वेरिएंस फॉर्मूला, आइडियल टाइम आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, चलो स्किल्ड का सेमी स्किल्ड का अनस्किल्ड का। अच्छा, आइडियल टाइम आवर्स आपको दे रखे हैं 160, 40 और 20, 160, 40 और 20, और स्टैंडर्ड रेट मेरा है 70, 65, 50, 70, 65 और 50, तो ये आ जाएगा 160 into 70, 11,200 हमेशा एडवर्स आएगा, 2,600 एडवर्स, 1,000 एडवर्स, तो ये आ गया आपका 14,800 एडवर्स, 14,800 एडवर्स, ये आपका आइडियल टाइम हो गया। ठीक है, कॉपी कर लो। कौन सा रह गया बेटा हमारा, मिक्स वेरिएंस। चल, लेबर मिक्स फॉर्मूला,
स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेशियो फॉर एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड। बेटा एक बात याद रखना बस, यहां पर एक्चुअल आवर्स कौन से लेने होते हैं बेटा, एक्सक्लूडिंग आइडियल टाइम। चलो टोटल करो बेटा, एक्चुअल आवर्स एक्सक्लूडिंग आइडियल टाइम का 1440 प्लस 360 प्लस 180 1980 आ रहा है। अब बेटा याद करो क्या करते थे, 1980 के एक्चुअल आवर्स को पहले बांटोगे स्टैंडर्ड रेशियो में। स्टैंडर्ड रेशियो क्या है, स्टैंडर्ड रेशियो मेरे ख्याल से ये आ जाएगी आपकी, सिक्स इज टू थ्री इज टू टू, है ना, यही आ जाएगी, सिक्स इज टू थ्री इज टू टू, कॉपी कर लो। चलो 1980 के एक्चुअल आवर्स को सिक्स इज टू थ्री इज टू टू में बांटो, 1980 को इंटू सिक्स डिवाइड बाय 11 1080 540 360। फिर 1980 के एक्चुअल आवर्स को एक्चुअल रेशियो में बांटोगे तो वो उतना ही आ जाएगा, 1440 360 180 1440 360 180 इंटू क्या आएगा, इनटू स्टैंडर्ड रेट, और स्टैंडर्ड रेट है आपका 70 65 50 70 65 50 25 200 एडवर्स। $11,700 favorable 9,000 favorable 4,500 adverse ये आपका मिक्स वेरियंस। बस बेटा यही वेरियंसेस आपको निकालने थे, मेरे ख्याल से बच्चे दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए पक्का। चल एक क्वेश्चन रहता है वो थोड़ा लेंथी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पक्का क्लियर हो गया सबको, ठीक है। चल बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, टिल देन थैंक यू।